जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई आप लोग सब के? आई होप एवरीवन इज सो सो गुड। या दिस इज सिद्रा फ्रॉम सिजाइबर्ग वंस अगेन। ओके जी, मैंने आज भी किचन में आ गई हूँ और आज भी मैं कुकिंग ही कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि यार, लास्ट जो मैंने शोरबे वाला आलू गोश्त बनाया था तो सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे व्यूज़ भी आए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद सब लोग जो हैं वो मेरी कुकिंग स्किल्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो प्राउन्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि है प्राउन्स करी या फिर झींगे का सालन। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने कॉफलैंड से है वो प्रॉन्स ले लिए थे। अच्छा, ये जो है वो मैंने फ्रेश वाले लिए थे, फ्रोज़न नहीं लिए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रही हूँ कि इसको मैं छील रही हूँ। छीलना इसको कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले इसका हेड निकालना होता है, पीछे की टेल निकालनी होती है, और ईजिली जो है वो प्रॉन्स नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार किस्म की मसालेदार जो है ना वो करी बताऊंगी, जो कि है प्राउन्स की। तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राउन्स लिए थे। अच्छा, प्राउन्स मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिए, क्योंकि मुझे और सिर्फ मेरे हस्बैंड को खाना था और काफ़ी स्पाइसी बनने थे ये, तो बच्चे हमारे जो हैं वो भाई भागते हैं स्पाइसी खाने से। तो प्राउन्स के लिए सबसे पहले जो है वो मुझे प्राउन्स लेने थे, जो कि मैंने यहाँ पे प्राउन्स लिए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट जो है वो 250 ग्राम्स के थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से, बस वन टाइम के लिए आप खा सकते हैं, उतने हिसाब का मैंने बनाया था। आप लोग ज़्यादा लेना चाहें तो आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज मैंने यहाँ पे 3 अदद प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की काटी है। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ली हैं। लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। हल्दी मैंने 1 टी स्पून ली है। टमाटर मैंने 3 बड़े बड़े लिए हैं। आप लोग उसको पेस्ट की सूरत में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो मेथी दाना लिया है और अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून लिया है। मेथी दाना मैंने 1/2 टी स्पून लिया था। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा काम करना है, और वो ये करना है, जो हमने प्राउन्स जो है वो जो मैंने साफ करके छील के रखे थे, उसमें मैंने अदरक लहसुन लाल मिर्च और हल्दी लगा के उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया है। सिंपल सा, और कुछ भी नहीं किया है, ताकि उसमें अगर किसी को थोड़ी सी भी हीक आती है तो वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद उसे हल्के से तेल में सौटे किया है मैंने, बहुत ज़्यादा तेल में उसे फ्राई नहीं करना, फ्राई भी नहीं करना है, बस इतना सा कि वो हल्का सा हो जाए, मतलब लाइक 5 to 3 seconds के लिए मैंने इसमें डाला था, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। अच्छा, जिस वोक में आपने जो है वो अपना ये प्राउन्स को हल्का हल्का सा सौटे किया है, उसी में आप मज़ीद उसमें ऑयल ऐड करें, और फिर अपनी प्याज को जो है वो प्याज को भी आपने सौटे करना है, फ्राई नहीं करना। फ्राई क्यों नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट सा लुक हो जाता है। यहाँ पर हम जो है वो प्राउन का मसाला बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, तो ये डिफरेंट सा बनाना है। अच्छा, मैं जो हूँ वो सबसे पहले मेथी दाना डालना भूल गई थी, जिसको मुझे कड़कड़ाना था मेथी दाने को, तो इसीलिए मैंने साइड में करके उसे कड़कड़ाया और ब्लैक करने की कोशिश की, यानी कि मेथी दाने को ब्लैक करें, उसे कड़कड़ाना है, वो मैंने किया, और प्याज को भी मैंने साथ में सौटे किया। और इस तरीके से जब मैंने देखा कि मेरी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है, तो अब मैंने इसमें 1 by 1 जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे वो ऐड करते चली जाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अदरक लहसुन ऐड करूँगी, साथ में लाल मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी, और फिर उसको थोड़ा सा चम्मच चला के उसमें पानी डाल के उसे थोड़ी देर के लिए मसाले को जो है अपने आप में पकने के लिए दूंगी, ताकि टमाटर जो है वो जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो भी गल जाए और एक अच्छा सा फाइन सा मसाला रेडी हो जाए। यहाँ पे जो है वो मतलब समझे ये 10 मिनट्स भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, बहुत जल्दी ये आपका टमाटर भी गल जाएंगे और एक अच्छा सा रेडी हो जाएगा आपका मसाला। और फिर उसमें हम अपने प्राउन्स ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में, और फिर हम उसमें अपना हरी मिर्चें ऐड करने के बाद उसको भी पानी डाल के प्राउन्स को थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा प्राउन्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जब हम प्राउन्स को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो प्राउन्स जो हैं वो और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से दम लगाया, पकाया, और फिर उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट्स में ये ना बन गया था, और मैंने फिर उसमें हरा धनिया और मोटी वाली हरी मिर्चें डाल के उसकी गार्निशिंग की, और फिर आई एम टेलिंग यू कितने मज़ेदार किस्म का मसालेदार स्पाइसी सा जो है वो झींगा मसाला या झींगा सालन रेडी हुआ था ना यार, आई एम टेलिंग यू इतना यम्मी था। अभी भी अगेन जो है वो मुंह में पानी आ रहा है मेरे। वेल, मैंने रात में खाया था, खैर। साथ में इसके आप जो है वो नान खाइए, रोटी खाइए, राइस के साथ खाना चाहें तो राइस के साथ खाएं, मैंने जो है वो उसे रोटी के साथ खाया था, बहुत मज़े का लगा था। आप लोग इसे ज़रूर 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 ट्राई करिएगा,
और आजकल जो है वो विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर में सभी को जो है वो सी फूड बड़े पसंद होते हैं। और पाकिस्तान में भी बड़ी सर्दियाँ आई हुई हैं, यहाँ पर भी सर्दी हो रही है, तबीयतें भी बड़ी ख़राब हो रही हैं, तो थोड़ा सा ये फ़िश खाइए और प्राउन्स खाइए। और जिन लोगों को पसंद है उन लोगों को तो भाई सी फूड वो उनकी जान होता है, जैसे कि मेरा। और लेमन स्क्यूज करके इसको आप सर्व करें, वाह हो जाएगी जी आपकी, मैं आपको बता रही हूँ। वेल, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर 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 याद करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय बाय, चूज़।